टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में मनपा अधिकारी और कर्मचारी कम होने पर मुस्लिम लीग की फरहत शेख ने मनपा कमिश्नर से मांग की है कि मुमरा में मनपा कर्मचारी और अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाए और साथ ही जो पदाधिकारियों की जिम्मेदारी मुमरा में सौंपी गई है वो ठाणे में रहकर ठाणे में काम कर रहे हैं उसे मुमरा भेजा जाए। और इसी तरह से मनपा के कई विभाग ऐसे हैं जो मुमरा में नहीं है, उनके दफ्तर भी मुमरा में खोलने की मांग मुस्लिम लीग की फरहत शेख ने की है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरहत शेख ने क्या कुछ जानकारी दी है सुनिए। मुमरा प्रभाग समिति में पूरे फिलहाल 192 वर्कर्स काम कर रहे हैं और जो प्रभाग समिति में वैकेंसी है वो 70 ऑफिसर्स की है। 70 ऑफिसर्स जो है वो हमने ये मांग की है कमिश्नर साहब से थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कि ये 70 के 70 जो सीट्स जो खाली है जो वैकेंसीज है ऑफिसर्स की ये मुमरा प्रभाग से मुमरा के लोगों को दी जाए क्योंकि अगर मुमरा के लोग अगर इसकी अपॉर्चुनिटी नहीं उठा सकते हैं हमारे पास इतने कैलिबर लोग हैं कि यहाँ पर उनकी अपॉइंटमेंट दी जा सकती है। तो 70 लोगों की हम लोगों ने मांग की है कमिश्नर से क्योंकि देखिए ये मांग करने का जो है ये यहाँ पर 6-7 साल से ये वैकेंट की हुई है। ये सोचिए आप अगर 6-7 साल से ये चीज़ें वैकेंट है तो ये यहाँ के कॉरपोरेटर क्या कर रहे थे, यहाँ के लोग क्या कर रहे थे कि भाई आप मुमरा में जॉब की इतनी कमी है अगर मुमरा के ये 70 लोग अगर ये जो 70 वैकेंसी अगर मुमरा के लोगों को मिली जाए तो ये 70 लोग क्या गवर्नमेंट जॉब में काम करने के लायक नहीं है क्या? 70 लोग जो है वो मुमरा के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि अगर ये इतने टाइम से ये सत्ता में रह के अपने लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो ऐसे लोगों का सत्ता में रहने का कोई मकसद नहीं है। ऐसे में पानी पुरोठा विभाग में और अन्य विभागों में अधिकारियों की जो कमी है तो आपने जो RTI से जानकारी निकाली है कितने अधिकारियों की कमी है वहाँ पर? देखिए यहाँ पर है ना और कुछ विभाग भी नहीं है यहाँ पर मुमरा में तो कौन कौन से वो विभाग हैं? जो विभाग यहाँ पर नहीं है सबसे पहले मैं वो बता दूँ, एक ये है टाउन प्लानिंग विभाग जो यहाँ पर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं है, लाइसेंस डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं है। ये 4-5 डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। और जो आपने पूछा कि कितने लोगों का कौन से वर्कर्स नहीं है कहाँ पर, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूँ जो अतिक्रमण विभाग है इसमें 3 क्लर्क काम कर रहा है। अब ये बताइए क्लर्क कैसे ये देंगे कमांड देंगे या ऑर्डर देंगे कि आप जाके इलीगल बिल्डिंग तोड़ो, इसके ऊपर कोई ऑफिसर होना चाहिए। क्लर्क का काम जो है वो क्लर्क है और क्लर्क में भी 3 क्लर्क है लेकिन क्लर्क एक काम करता है, ठीक है, उसकी भी बदली होती रहती है। और जो आपने पूछा कि कौन कौन से विभाग में कमी है तो जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर अभी ये जो है लेख विभाग है, स्थापना विभाग है, यहाँ पर जो टाइपिस्ट की कमी है। क्यों? हमारे मुमरा के लोगों को टाइपिंग नहीं आती। प्राइवेट में प्राइवेट कोई एक गाला गाल के आप वहाँ पर टाइप करें क्यों वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते? एप्लीमेंट कार्ड बनाने के मैंने लाखों बार बोला है कि मुमरा के लोगों को अपना एप्लीमेंट कार्ड निकालिए और जाके गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कीजिए। मुमरा के लोग मुमरा में ही अगर करेंगे टाइपिस्ट की ही मैं मिला के आपको बता दूँ 6 टाइपिस्ट की कमी है यहाँ पर, 6 टाइपिस्ट पूरे विभाग में, पूरा मुमरा विभाग से मुझे 6 टाइपिस्ट की कमी है, 2 क्लर्क की कमी है और जो चीफ क्लर्क 2 क्लर्क की कमी है और जो लोअर लेवल की क्लर्क है उसमें 13 क्लर्क की कमी है सारे डिपार्टमेंट को जो मिला के देखी जाए तो। और सिपाही मतलब ये जो पुलिस वगैरह के साथ जो सिपाही होते हैं उसमें अच्छा कितने ऐसे पदाधिकारी हैं जिनकी कार्यरत मुमरा में की गई है लेकिन वो काम कहीं और कर रहे हैं, कितने लोग हैं? हम लोगों ने निकाला ना तो हम लोगों को एक ऑफिसर के बारे में ऐसे बताया जो मुमरा के वार्ड ऑफिसर ही है, ठीक है, गावड़े सर की मैं बात कर रही हूँ जो मुमरा के वार्ड ऑफिसर है, उनका काम है यहाँ बैठिए आप और यहाँ के लोगों की परेशानियों को सुनिए और उनको सॉल्व कीजिए। आप क्या कर रहे हो? थाना में बैठ रहे हो, थाना गार्डन जो विभाग है गार्डन एंट्री डिपार्टमेंट है आप वहाँ पर बैठ के वहाँ पर काम कर रहे हो, आप सैलरी मुमरा प्रभाग समिति से ले रहे हो, मुमरा में काम करने की आप सैलरी ले रहे हो लेकिन आप काम वहाँ क्यों कर रहे हो? हमारी तो ये मांग है या तो उनको वहाँ ट्रांसफर किया जाए, वहीं पर रखा जाए, ऐसे ऑफिसर की हम लोग को जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी मुमरा में होकर कहीं दूसरे जगह काम कर रहे हैं, आपने कई विभागों का नाम बताया है कि ये विभाग यहाँ पर नहीं है और जो है कर्मचारियों की कमी है, तो इन सब की मांगों को लेकर के आपने मनपा कमिश्नर से मुलाकात किए, उन्हें लेटर वगैरह दिए कि ये सब चीज़ें मुमरा के लिए पूरी की जाए, मुमरा के लोगों को जॉब दिया जाए इसमें? 6/12/2021 मैंने जाकर लेटर दिया है थाने म्यूनसिपल कमिश्नर को और उनको ये मांग की है कि ये जो 70 वैकेंसीज है ये सिर्फ और सिर्फ मुमरा के लोगों को दी जाए। अगर ये मांग अगर मैं समझती हूँ
अगर मैं सत्ता में नहीं हूँ और मैं ये समझती हूँ कि लोगों को जरूरत है, लोगों की जरूरत है, तो ये मांग कहाँ करना है मुझे कमिश्नर में। तो मैंने जाके कमिश्नर से मांग की इस बात की कि भाई ये जो है वैकेंसीज जो है वो मुमरा के लोग इसका फ़ायदा उठाए, तो आप जो है ये वैकेंसीज जो है वो उसमें मुमरा के लोगों को भरें।